हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका एमएस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने घर से ऊपर लगभग 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई आने के बाद यहाँ धुरासैन फील्ड में हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इधर पे जो है क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। तो आज का मैच मुंशारी वर्सेज नासनी और हमारा समकोट वर्सेज तेजम के साथ जो समय पहला मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। धुरासैन का जो शानदार फील्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को दिखाता है ये धुरासैन का चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ। तो इधर पे अभी ये पीछे है। तो दोस्तों ये दोनों टीमें इधर लाइन अप हो चुके हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे टीम नासना। तो दोस्तों अभी मैं धुरासैन फील्ड के बीच में हूँ। यहाँ पर मुंशारी वर्सेज नासनी का मुकाबला होने जा रहा है। अभी इधर पर टॉस हो रहा है, इसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा। अभी देखिए इधर से नासनी की टीम है और इस साइड से ये है मुंशारी, और इधर पे हमारे मैच आयोजक सुरेंद्र दा मुख्य, इधर पे और जितने भी और आयोजक हैं इधर पे आप लोग देखेंगे। अभी इधर पे जो है टॉस की भूमिका की जाएगी। तो दोस्तों इधर पे जो है टॉस मुंशारी जीती। बॉल फर्स्ट। तो दोस्तों इधर पे मुंशारी ने टॉस जीता और बॉलिंग फर्स्ट करने का अनुरोध किया गया और नासनी यहाँ पे बैटिंग करेगी। तो आप लोगों को जो है मैच दिखाया जाएगा। और यह हमारे सुरेंद्र दा आज के मैच आए जब सुरेंद्र दा थोड़ा पिच के बारे में बताएंगे। आज थोड़ा सा पिच कैसा बॉलिंग या बैटिंग के लिए क्या बेहतर रहेगा? बल्लेबाजी पिच है। तो 12 ओवर में 200 बन सकते हैं, तो फिर हाँ सही बात। तो आज जो है थोड़ा सा सपाट अच्छा लग रहा है, पिच इसे सुधारा गया है। और दिनों में हम आज के मैच के बारे में क्या करना चाहिए, इसके बाद हमारा मैच है ये भाई शर्मा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा अभी मैच, इधर पर लाइव मैच आएगा। फिर आप लोग बने रहे। अभी इधर पे जो है मुंशारी ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग डिसाइड किया, बॉलिंग करेगी और नासनी की टीम जो है बैटिंग करेगी। अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो अब जो है दोनों टीमें यहाँ पे तैयार होते हुए, नासनी जो है बैटिंग के लिए तैयार होगी और मुंशारी फील्डिंग के लिए। देखते हैं आज का जो है कड़ा मुकाबला है, रोमांचक एवं तगड़ा। इसके बाद जो है हमारा मैच है समकोट वर्सेज तेजम। और दोस्तों मैं इधर में कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुका हूं, आप लोग देख रहे होंगे इधर में जो है कमेंट्री आपने बंदे लोग हैं। राजेंद्र मेहरा जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने 2005 की जगह के धनराशि प्रदान की है और चारों बच्चे आप लोगों को दिखाता है जिन्होंने 5 रुपए की धनराशि प्रदान की है। मैं उसी समाज सल्ला संपूर्ण उन्होंने कलेक्टर 1000 रुपए की धनराशि प्रदान की है और तो दोस्तों अभी मैं कमेंट्री बॉक्स और स्कोर बोर्ड में हूँ। इधर पे हमारे आज के स्कोरर है ये कुंदन सिंह पवार और यहाँ पे ये भूमिका निभाते हुए, और इधर पे कमेंट्री बॉक्स में हरेंद्र सिंह बछेड़ा और ये प्लेयर भी हमारे टीम के। अभी जो सेकंड मैच होगा हमारा, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा ये सारे इधर पे जितने भी, और आप लोगों को देखिए फील्ड। क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है मुंशारी और नासनी के मध्य। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बनेगी। वहीं मुंशारी टीम में काफी अनुभव, वहीं नासनी की बात की जाए तो अनुभव की कोई कमी नहीं और ये काफी अहम मुकाबला। और इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है, क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला समकोट और तेजम के मध्य। वहीं सेमीफाइनल में पहले प्रवेश कर चुके हैं डोगला और सल्ला समकोट। तो दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है, पहली बॉल 6 रन के लिए यहाँ बाहर भेज दिया। आप लोग देख रहे हैं ये धुरासैन का जो प्लेन एरिया है, जो ग्राउंड है, आप लोग देख रहे होंगे। फिर से 4 रन के लिए दोस्तों। यार पूरा जून में कैमरा घूम
ओवर के बीच में गैप तो दोस्तों इधर पे एक इनिंग समाप्त हो चुकी है। नाशनी की बैटिंग फिनिश हो चुकी है। 12 ओवर में नाशनी ने जो है 152 रन बनाए, शायद 151 रन, कितना 51 है 152 रन मुंशारी को जीतने के लिए देख टारगेट दिया है 12 ओवर में 153 रन। अब देखते हैं कि मैच में आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों इधर पे सेकेंड पारी स्टार्ट हो चुकी है और मुंशारी को चेज करने के लिए 153 रन चाहिए 12 ओवर में। देखेंगे कि आगे क्या होता है मैच में। आप लोग देख रहे होंगे ग्राउंड है और वेदर क्लियर है। आप देखिए सामने धूप खिली हुई है। ये शमकोट का सैंड फील्ड आप लोग देख रहे हैं। चार ओवर का जबरदस्त व्यू, सामने पूरा फॉरेस्ट है और इधर से पहाड़ी से घिरा हुआ, जस्ट रोड पर ही है ये। आप लोग देख रहे होंगे क्या नौ बॉल छ तो दोस्तों इधर पर मैच एक तरफा मुंशारी वर्सेस नाशनी मैच था। मुंशारी ने जो है 9 विकेट से जो है मैच जीत चुकी है लगभग 18 ओवर में। इसके बाद होगा हमारा मैच समकोट वर्सेज तेजम, देखते हैं इसका सेकंड मुकाबला, तो उसको आप लोगों को दिखाया जाएगा। मैच इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि इधर पे वैसे उसके लिए जो है जबरदस्त कैमरा वगैरह इस चीज़ें सही होती है। तो दोस्तों थोड़ी देर में जो है समकोट वर्सेज तेजम यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है, आप लोग देख रहे होंगे। और ये देखिए दोनों टीमें जो है पूरे ड्रेस में जितने भी है दोनों टीमें जो है लाइनअप हो जाए। तो दोस्तों इधर पर दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी है। इधर से ये तेजम की टीम जो कि काफी शानदार ड्रेस पहन की है। तो दोस्तों इधर पर देखिए आइए और इस साइड जो है सुमकोट की टीम थोड़ा सा जो है लाइट धूप रोशनी साइड होने से तो क्लियर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में जो है टॉस होगा, देखिए इधर पे। तो दोस्तों आज के मैच के मुख्य अतिथि इधर पे पधारते हुए श्री सुरेंद्र सिंह बिछड़ा जी और मैच आयोजक सुरेंद्र सिंह बिछड़ा जी। तो इधर पर टॉस उछल चुका है आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों इधर पे कौन तेजम टॉस जीत चुकी है। तो दोस्तों इधर पे तेजम ने टॉस जीता और जो है बॉलिंग फर्स्ट है, फील्डिंग लेने का निर्णय लिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए आज का पिच और ये धुरा सैंड फील्ड के बीचों बीच में हूँ मैं, आप लोग देखिए। सुभाष यहाँ पर कमांडो चुना डालते हुए अंपायर यहीं पर मैच आयोजक सुरेंद्र सिंह बछेड़ा और गोविंद सिंह पवार अंपायर की भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है फर्स्ट बैटिंग आ चुकी है टॉस हारने के बाद। जुदी हमारे ओपनर आज के हरेंद्र सिंह बछेड़ा जो कि काफी ऑलराउंडर है और बेहतरीन बैट्समैन, भाई बछेड़ा जो कि मेन ओपनिंग बैट्समैन अभी जाएंगे और लगभग आज टारगेट कितना होना चाहिए रे जीव विधायक बता, कम से कम कितना होना चाहिए हमने टारगेट? 210 पार, लगभग 200+ तो होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि अभी कुछ ही देर में जो है मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों ओपनर यहाँ पे माही बछेड़ा और हरेंद्र सिंह बछेड़ा जो है तैयार है। इधर वह हमारे दोनों ओपनर जाते हुए आई होप कि बड़ा परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। ये देखिए माही बछेड़ा 03 नंबर और हरेंद्र 7 नंबर की जर्सी पहने हुए और इधर पे तेजम की जो है फील्डिंग सज चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। ओवर की पहली गए दोस्तों।
अंपायर का इशारा वाइड। ऐसा लड़का तो दोस्तों यहाँ पे संपोर्ट की टीम ने जो है टारगेट 172 रन बनाए, 173 रन जीतने के लिए चाहिए। अभी हम फील्डिंग पे जा रहे हैं तो देखते हैं अभी इसको 172 रन हम लोगों ने बचाने 12 ओवर में। ये हमारे सबसे समर्थ पूरे सपोर्ट में समकोट के गुड्डा बोलते गुड्डा संभाल करना चाहिए ठीक है। तो दोस्तों इधर हमारे टीम की रणनीति बनते हुए कैसे जो है सेव करने हैं आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम इधर मैच जीत चुके हैं। कितने रन से मैच जीते रहे पता भी नहीं, 70 रन से जो है हमारी टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कल सेमीफाइनल मैच होगा। तो दोस्तों कैसा लगा सभी भाई का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी आप लोग कौन था भारत माता की जय, भगवती मैया की जय। तो दोस्तों अब हमारे साथ बने आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। मैच जीत चुका है सेमीफाइनल, कल जो है सेमीफाइनल मैच होगा। हरु भाई कितना 4 विकेट आज जो है 50 और 4 विकेट। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पहली बार था क्रिकेटिंग का ब्लॉगिंग का बना रहा था, ज़्यादा मैच ऐसा दिखाई नहीं आप लोगों को देखा। इससे पहले मैच जो हुआ था नासनी मुंशारी जीत चुके, जो कल जो है 2-2 सेमीफाइनल होंगे और जो है शायद अगर मौसम सही रहता फाइनल खेला जाएगा। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा इस बारे में अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।